रूस में एक न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में आग लग गई। घटना के वक्त हॉस्पिटल में 70 लोग मौजूद थे, जिनमें 4 मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। इनमें से 29 मरीज ऐसे थे जो अपने बेड से उठ भी नहीं सकते थे। इमरजेंसी मिनिस्ट्री की माने तो आग लगने की वजह खराब वायरिंग हो सकती है। लोकल इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने खराब वायरिंग के साथ साथ आग फैलने के पीछे हॉस्पिटल अथॉरिटी के लापरवाह रवैये को जिम्मेदार माना है। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।